भारत ने बनाई ऐसी मिसाइल जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से घबराए हुए हैं। जिस हथियार को पहले रूस बनाने वाला था उस हथियार को बनाया है अब भारत ने। खबर निकल कर सामने आई के कहने पर मजबूर हो जाओगे कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी कोई जवाब नहीं है। आप जानते हैं कि चारों तरफ भारत के दुश्मन हैं, वहीं पर भारत ने वैज्ञानिक नई नई मिसाइलें में फाइटर जेट बना रहे हैं। दूसरी ओर हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में चीन बॉर्डर पर आतंकवाद मचा रहे हैं, परेशानी खड़ा कर रहे हैं जिसका अंत नहीं है। परेशानियां पैदा करने के लिए पाकिस्तान में चीन घुसपैठ करने में लगे हैं। लद्दाख में चारों खाने चित होने के बावजूद भी चीन सुधरने का नाम तक नहीं ले रहा, घुसपैठ करने में लगा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने के लिए तैयार हो रहा है और षड्यंत्र रच रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। चीन ने कहा है कि 1936 में भारत ने इसे जीत लिया था और अब वह उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। उसने कहा कि हद में रहे। भारत ने कहा कि चीन हमेशा से ही झूठ बोलता रहा है और अब भी झूठ बोल रहा है। चीन और भारत में कुछ हद तक विवाद बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो और भारत आगे बढ़ सके, ताकि भारत चीन से आगे बढ़ सके। चीन की घटिया सोच यहां तक भी सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं चीन भारत की जासूसी करने में भी जुटा है और वह अपने सपाई सीप लगातार हिंद महासागर में भेज रहा है। भारत भी चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत जिस तेज गति से मिसाइल फाइटर जेट लॉन्च कर रहा है उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भारत अपनी तैयारी को युद्ध स्तर तक ले जा चुका है। भारत ने चीन के ड्रैगन से बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। खबर निकलकर सामने आ रही है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। भारत ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक ऐसा हथियार बनाया है जो चीन के फाइटर जेट, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज उपकरणों को निशाना बना सकता है। ताकतवर है यह मिसाइल जो वर्षों पहले रूस ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन भारत ने इसे तैयार करके खुखार योद्धा के रूप में तब्दील कर दिया है। इस हथियार की ताकत को देखकर रूस और चीन हैरान हैं। भारत ने चीन के समुद्र में भी घेर लिया है। भारत ने 35 युद्ध पोत, 11 पनडुब्बियों और 5 हवाई फाइटर जेट एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। क्या चीन भारत के नौसेना पर हमला कर सकता है? चीन जिस हिसाब से षड्यंत्र रच रहा है उसे देखकर भारत ने अपना आपा खो दिया है। भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर में साउथ चीन तक दुश्मन को ढूंढकर वार करने का बड़ा फैसला बना लिया है। इसके लिए भारत ने 35 युद्ध पोत, 11 पनडुब्बियों को हिंद महासागर में 5 एयरक्राफ्ट उतार दिए हैं। भारत का इतना भयानक रूप देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। वास्तव में भारत ने इतने बड़े स्तर पर कभी तैयारी नहीं की। आपने खबर देखी होगी कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी, समुद्री लुटेरों के आतंक को देखते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में 11 पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। भारत ने 35 युद्ध पोत लगाए हैं जो हर वक्त दुश्मन पर नजर टिकाए हुए हैं। सामने से आ रहे दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे। भारत के इस मिशन का अंजाम तक पहुंचाने के लिए 5 एयरक्राफ्ट आकाश में उड़ रहे हैं, बाकी आवश्यकता पड़ने पर हवाई जहाज तुरंत मिल सके। दोस्तों, कुछ वर्षों से हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी को कायम किए हुए है और इस इलाके में लगातार लेगुली ट्रैक में पनडुब्बियां भेजी जा रही हैं और भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। समुन्द्र में 11 पनडुब्बियां, 35 युद्ध पोत, 5 एयरक्राफ्ट
ऑपरेशन पर लगा दिए हैं। इसमें से 10 युद्ध पोते वेस्टर्न सी बोर्ड में मौजूद है। तब तक यह पूरा इलाका दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक भारत की ओर से सभी युद्ध पोत पनडुब्बियां एयरक्राफ्ट तैनात रहेंगे। आपको बता दें, एक और चीन अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है, कभी श्रीलंका के हबनटोटा कोर्ट से, कभी वह पाकिस्तान के ग्वादर कोर्ट से। चीन यहां पर किस लेवल की तैनाती कर चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस जल क्षेत्र में चीन के 6 युद्ध पोतों के साथ 13 शिप इस इलाके में मौजूद हैं। इसमें एक सैटेलाइट डेकन सिस्टम भी है। चीन के सैन्य पोत के साथ 13 शिप इस इलाके में मौजूद हैं। इसलिए चीन को तगड़ा इलाज करने के लिए भारत ने मिशन शुरू किया है। वहीं पिछले कुछ महीने से समुद्री लुटेरों का प्रकोप भी बढ़ रहा था। लगातार व्यापारिक जहाजों को लूटा जा रहा था। इसकी वजह से काफी कमर्शियल शिप ने इस रास्ते में आना जाना बंद कर दिया था। समुद्री लुटेरों की वजह से वह आने वाले इलाके में जहाज अब नहीं आ रहे थे और जिस रास्ते से आ रहे थे वह लंबा पड़ रहा है। भारत ने सोवियत संघ से कुछ समय पहले यानी रूस से मिलकर एक हथियार को जबरदस्त तरीके से तैयार कर डाला है। ऐसा तैयार किया है कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। यह कितना ताकतवर है इसे देखकर स्वयं हैरान है, इसे देखकर तो चीन रूस भी हैरान है। इसका नाम है जैमान कान उतान बैतान यानी Z-43 सिस्टम। इसे सोवियत संघ से खरीदने के बाद भारत में बनाया गया है। इसमें इलेक्ट्रोफायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मन को ट्रैक कर पाए जाने पर उसे हमला कर सके। इसमें टारगेट को ढूंढकर उसे मिटाया जा सके सिस्टम लगाया गया है। इसमें कम ऊंचाई पर भी दुश्मन के साइल वे फाइटर जेट को खत्म करने की ताकत है। यह गन सिस्टम गैस विंड एक्शन में काम करती है। एकोनल सिस्टम का वेट 0.95 टन है। लंबाई है इसकी 10 फीट। यह किसी को भी देश में उड़कर दुश्मन को नामों किसी भी दिशा में उड़कर दुश्मन का नामों निशान मिटा सकता है। यह हथियार एक मिनट में 2000 फायर करता है। 3 किलोमीटर तक की दूरी तक यह स्टिक हमला करता है और इसे किसी भी गाड़ी पर लगाया जा सकता है। आप इसे सीमा पर तैनात कर सकते हैं और बांधकर ट्रैक कर बांधकर भी लगा सकते हैं। इस विमान में लोड करके ऊंचाई वाले जगह पर भी ले जा सकते हैं। भारत में मौजूद इस हथियार में 350 तो खींच कर तैनात करने वाले सिस्टम है। बाकी बचे हथियारों को ट्रक पर तैनात किया गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने बनाए गए हथियार के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।